टू आदि अभी चैनल। कैसे हैं आप सब? प्रणाम आप सबको। आज सैटरडे है और ऑफ है हमारा। ये देखिए मेरी बेटी, बेटा, हाय गाइस। ये दोनों बैठ के कर रहे हैं अपना होमवर्क और मैं आज इनके पास बैठी हूँ और इनकी तो हवा टाइट हो रखी है। मम्मी को रोज टाइम मिलता है नहीं। राखी आने वाला है तो भी मैं भाई को राखी बांधूंगी और भाई मुझे गिफ्ट देगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है दोनों भाई बहनों की, बता नहीं सकती हूँ। हम भी करते थे अपने भाई से लेकिन इनकी लड़ाई बहुत अलग तरह। हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है राखी आने वाला है और भाई मुझे गिफ्ट देगा। कैसे पता आपको गिफ्ट देगा? आपका भैया गिफ्ट देगा आपको? वंशु आने वाली है। वंशु इसकी मौसी की लड़की है और ये बहुत खुश रहती है। वो आती है तो और रक्षाबंधन में वो आएगी तो वो आदि को वो भी राखी बांधती है। उसकी छोटी बहन जो मेरी क्यूट सी भगनी आई हुई है, अभी न्यू मेंबर जो ऐड हुई है, वो भी आएगी, वो भी राखी बांधेगी आदि को। तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे नहीं बांधेगी। तुम्हें क्यों बांधेगी? तो भाई को बांधते हैं ना। आपको ही बांधना है? हाँ। ओके ठीक है, बंधवा लेना। बहन बहन भी बांधती है, बहन बहन भी एक दूसरे की रक्षा करती है ना? मुझे भी बोलने दो। हाँ बोलो। ओके आदि इधर देखो, तो आप ये बताओ अभी को गिफ्ट दोगे ना? नहीं दोगे? अभी बोलो, क्योंकि अभी मेरे को बहुत परेशान करती है। परेशान करती है? हाँ अभी आप परेशान करते हो ना? दीदी तो मुझे परेशान वो भी करता है, मुझे मारता है। मारता है, प्यार भी तो करता है ना। तो आदि तुम दोगे अभी को गिफ्ट? क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे? क्यों? क्योंकि वो बहुत कंजूस है और मेरे मैं थोड़ी कमाता हूँ जो मैं इसको गिफ्ट दूंगा। ये एक नंबर की कंजूस और बंदरिया है। कमाते नहीं तो पापा तो हर महीने तुम्हें देते हैं ना पॉकेट कर से। तुम तो गुल्लक में तुम जमा कर रहे हो, वो पैसे का क्या है? मैंने गिना भी नहीं है पर मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। मैं क्यों भाई? तो फिर राखी भी नहीं बांधना अभी, ठीक है? नहीं बांधना। मैं इसको सिद्धा नहीं बांधोगे ना राखी? बांधोगी? क्यों क्यों बांधोगी? जब वो देगा ही नहीं तो क्यों बांधोगी? मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मिलेगी। 10 रुपए में क्या मिलता है आजकल? तो अभी भैया तो आपको 10 रुपए ही देना चाह रहा है, क्या आप राखी बांधोगे भैया को? फिर अब तो ये राखी बांधना नहीं चाह रही है। कोई बात नहीं तो रिश्ता खत्म हो गया। सही में अभी रिश्ता खत्म नहीं? बांधोगे ना राखी 10 रुपए में? हाँ सही में 10 रुपए में क्या होगा? कम से कम 50 चाहिए। 50 में भी मान जाओगे? 50 में तो कुछ नहीं होता बेटा, 50 में भी कुछ नहीं होता। लेकिन चलो तुम अगर इतना भी मान तो 50 रुपए में मानेगी। भैया भैया प्यार कम करता है आपसे, इसीलिए कम दे रहा है ना। और आप अभी कम करते हो प्यार भैया से? नहीं ज्यादा करते हो, इसीलिए 10 रुपए में बांधोगे? हाँ आदि आप कम करते हो प्यार अभी से, सच में? और अभी आप ज्यादा करते हो प्यार सच में? अरे 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 आप देखो कितना प्यार करती है। हाँ अभी तुमसे कितना प्यार करती है, अभी भी नहीं दोगे? अभी 10 ही रुपए दोगे? नहीं 500 रुपए। बस 500 में मान जाओगी सच में? 500 नहीं तो 1 लाख। 1 लाख वो तो जब कमाओ तब। 1000 रुपए पहले राखी तो बांधो पगली, उसके बाद देखना क्या मिलता है। गाइस
क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? भाई आपके साथ भी ऐसी लड़ाई करते हैं और फिर प्यार करते हैं? हर कहानी एक ही है, हर जगह एक ही कहानी है। भाई बहन के बीच जो रिश्ता है और ऐसा ही रहता है। इन लोगों का भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं एक को मारती हूँ तो दूसरा बचाता है, दूसरे को मारती हूँ तो दूसरा दौड़ जाता है बचाने के लिए। छुपाने में लग जाते हैं एक दूसरे को कि कहाँ छुपोगी, कहाँ छुपोगी, मम्मी आ रही मारने, जल्दी छुप जा छुप जा, ऐसे करते हैं। यही है रिश्ता जो बहुत अनमोल है। और रक्षाबंधन आ रहा है गाइज, आप लोगों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स के साथ। बहुत ही अच्छा ब्लॉग्स होगा अगला ब्लॉग्स भी, आप लोग बहुत पसंद आएगा। टेक केयर गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।